Star. नमस्कार, रोहतक ई संचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ई संचार रोहतक में हम चर्चा कर रहे हैं उन तमाम जिम्मेदार इकाइयों से जिन्होंने कोरोना काल के दौरान सरकार, सिस्टम और जनता को दी जाने वाली सेवाओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया। इसी कड़ी में हम बात करेंगे रोहतक से कांग्रेस के मौजूदा विधायक बीबी बत्रा और बीजेपी नेता एवं पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर से, जिन्हें जनता ने क्षेत्र के विकास के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुना है। जनता के नुमाइंदे होने के नाते कोरोना काल में उन्होंने किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह किया है, विकास को कितनी रफ्तार दी है और कोरोना के वजह से समय समय पर खड़ी होने वाली चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं, इस पर सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर हैं, पूर्व सहकारिता मंत्री और कांग्रेस के वर्तमान विधायक बीबी बत्रा मेरे साथ, दोनों खास मेहमान सीधे जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत स्वागत करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का इस खास चर्चा में। मनीष ग्रोवर जी आपका भी बहुत स्वागत है और बत्रा साहब आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो आपके शहर रोहतक को लेकर है। कोरोना संकट काल में जो चुनौतियां आप लोगों ने झेली, आप लोगों ने जिनको देखा और उनसे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है, तमाम बातें आपसे करेंगे। पहले बत्रा साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कोरोना संकट काल में हमने ये देखा कि पहली लहर को तो कंट्रोल कर लिया गया, केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने के आदेश हुए, लेकिन दूसरे कोरोना के डेल्टा वेरियंट के दौरान स्थिति भयानक हो गई थी और उसमें राज्य सरकारों को ही अपने स्तर पर निपटना था। इन दोनों को किस तरह से आप देखते हैं, दोनों में क्या फर्क आपको दिखा और खासकर रोहतक की बात करें तो क्या हालात आपने वहां पर देखे? रोहतक के अंदर कोरोना काल के अंदर भी कुछ कंट्रोल हुआ। सेकंड वेव जो थी पहली वेव से बहुत बुरा तेज थी और उसमें सिर्फ प्रशासन नहीं, समाज सेवी संस्थाओं ने भी काम किया और काफी हद तक हम संघर्ष को ऊपर विजय पाने के लिए, एक बहुत बड़ा एपिडेमिक था सारे देश के ऊपर एपिडेमिक आया था और उसमें रोहतक में खासकर समाज सेवी संस्थाओं ने भी और हमने भी इतना प्रयास हम कर सके उसमें लोगों को राहत मिली, चाहे पीजेएमएस रोहतक था, पीजेएमएस रोहतक हमारी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, चाहे वो सीएमओ ऑफिस था, तो लोगों को और लोगों ने भी उसमें इस भयावह बीमारी के अंदर बहुत बड़ा साथ दिया। ठीक है कि उसमें हमने अपने मिलने वाले, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिससे अछूता हो, कि जिससे अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, किसी मिलने वालों को ना खोया हो और उन सबको हम इस कोरोना काल के अंदर बचा नहीं सके, ये हमारे लिए के चिंता का विषय रहेगा। और हम सबको उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उस समय इस एपिडेमिक में फिर भी इस एपिडेमिक में भारतवर्ष के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, रातों के लोगों ने एक साहस का परिचय दिया और इसको हम कंट्रोल कर पाए, जी नियंत्रित कर पाए, ऐसा आपका मानना है। ग्रोवर साहब आपसे मैं पूछूंगा, कोरोना संकट काल में परिस्थितियां दूसरे डेल्टा वेरिएंट के दौरान जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। जैसे बत्रा साहब आपसे पूछूं, बत्रा साहब का ये कहना था कि हम कंट्रोल करने में कामयाब रहे, लेकिन अगर आपसे मैं जानना चाहूं दूसरी वेव के दौरान जो स्थितियां बनी वो किस तरह की थी, खासकर रोहतक में, और स्थानीय प्रशासन ने जो भूमिका आपने निभाई वो कैसे निभा पाई, आपकी उसके ऊपर बारीक नजर रही होगी। ये बत्रा साहब ने जो पूछा है, ग्रोवर साहब इसको लेकर आपसे मैं जानना चाहूंगा। पहले तो बहुत धन्यवाद श्री बत्रा जी को भी, जी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद सर। हम रोहतक के दोनों हैं, विचारधारा बेशक अलग हो, शहर के लिए उनके साथ जी। कोरोना काल के विषय में आपने चर्चा की, ये राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये प्रकृति का प्रकोप जो आया जी और सबने मिलकर हरियाणा, रोहतक, देश सबने मिलकर काम किया है, उसमें कई परिवारों के नुकसान भी है। दूसरे जो आपने बताया वो हमें बड़ी स्थिति उस टाइम की चिंताजनक थी, फिर भी समाज के धार्मिक, सामाजिक सब लोगों ने मिलकर, कोई भी नहीं अपने घर में था, रोड पे समाज के लिए सेवा करने में आगे बढ़ा हुआ था। कोरोना संकट काल में बत्रा साहब आपसे पूछूं, स्वास्थ्य सेवाएं दूसरी लहर के दौरान बहुत ज्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ा
ऑक्सीजन की किल्लत तक भी देखी गई, लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे। हालांकि तीसरी वेव इतनी ज़्यादा भयानक नहीं रही, लेकिन अगर दूसरी वेव की बात करूँ, खासकर ऑक्सीजन को लेकर और दवाओं को लेकर, ये परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। अब उनसे हम कितना आगे निकल चुके हैं, और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं? डेल्टा वेरिएंट जो आया है वो एक अनएक्सपेक्टेड वेव थी, और उसमें लोगों को भी नहीं पता था कि इतनी स्पीड से सब कुछ आएगी। ठीक है, कुछ संसाधन एक दिन में पैदा नहीं हो जाते हैं, संसाधन करने में समय भी लगता है, और लोगों ने भी उसका साथ दिया, गैस का भी, ऑक्सीजन का भी हुआ, प्लांट्स भी हुए, सब कुछ हुआ, और मुख्यमंत्री जी रोहतक को विजिट भी किया। इस बात के लिए कि किसी को दोषारोपण किया जाए वो बात नहीं होती है, एक लड़ाई, एक मानवता की लड़ाई लड़ी, और सबने मिलकर उस बात की लड़ाई लड़ी इस बात के लिए, और जो कैजुअल्टीज हुई वो बहुत ज्यादा हुई, लोग हमारे हाथों से निकलते गए, हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और दूसरी वेव जो थी वो पहली वेव से 20 गुना ज्यादा तेज, डॉक्टर्स बताते हैं, एम्स के डॉक्टर्स बताते हैं कि उतनी तीव्र थी, इतनी तीव्रता के अंदर सब कुछ नहीं। अब सब जगह से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, चाहे प्रदेश की सरकार की बात है, अब सभी चीजों का एक एहतियात तौर पे लिया, और ये थर्ड वेव जो है इट इज लेस डेंजरस ऑल्सो, इसमें थोड़ी सी कैजुअलिटी कम हो रही है, पर फिर भी इसमें नंबर्स काफी है फिर भी। और हमें जो भी सरकार की समय समय पर सेक्शन आए, सभी लोगों को उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि बाजारों में और में हम मास्क नहीं पहनते, ये सब कुछ हमारे ही हित के अंदर है, हमें खुद देखना चाहिए कि इस बात के लिए कि ये जो गवर्नमेंट की सेक्शन आती है कि मास्क और मास्क के बारे में चलान करते हैं, कई लोगों को इतराज हो जाता है, कई लोग इसके बारे में कोई कोरोना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक WHO की सेक्शंस हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सेक्शंस हैं या स्टेट गवर्नमेंट की सेक्शंस हैं, टाइम टाइम पे जो भी सेक्शंस आती है वो सेक्शन को सभी जितनी भी जनता है और जो लोग हैं सारे एक पढ़े लिखे और सब बात को समझते हैं, उन सेक्शंस का पालन करना चाहिए। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये जो थर्ड वेव है इसका ये जल्दी ही खत्म होगी और लोग सभी एक सुख की सांस लेंगे। ये अहम है कि जल्दी ये काल खत्म होगा, हालांकि इसको लेकर अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन बत्रा साहब, एक बात जरा आपसे पूछूंगा कि जो हमारा कामकाज है रोहतक का, मार्केट है बड़ी बड़ी, वहाँ पर शोरी मार्केट है, वहाँ पर कई सारे ऐसे उद्योग भी हैं जहाँ से लोगों का कामकाज चलता है, उसके ऊपर प्रभाव की बात मैं करूँगा आपसे, पिछले लगभग 2-2.5 साल में कितना ज़्यादा इन लोगों को नुकसान हो गया है, कामकाज ही लोगों को कितना नुकसान हो गया है, इस प्रकार की आप लोगों के पास शिकायतें आती होंगी, इस प्रकार की आप लोगों के पास कुछ सुझाव आप लोगों से मांगने के लिए लोग पहुँचते होंगे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। ऐसे के फर्स्ट फेज जो कोरोना का आया उसमें भी लॉकडाउन का एक पीरियड आया जी। और सेकंड पे जब डेल्टा वेव आई तब बहुत ज्यादा लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन से निश्चित रूप से इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है और इकॉनमी का काफी गिरावट आती है, लोगों को नुकसान होता है, दुकानदार का नुकसान होता है, उद्योगपति का नुकसान होता है, हर एक फील्ड के अंदर नुकसान होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का नुकसान होता है, एंटरप्रेन्योर जो है उनको नुकसान होता है, घर बैठे हुए सब कुछ है। और इस कोरोना काल के अंदर बड़ा दुख का विषय है कि बड़े काफी लोगों ने नौकरियां खोई, और इस बार सरकार ने एक एहतियाती तौर लिया कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन जो है ना एक रिसेशन को क्रिएट करता है, और रिसेशन को दोनों कोरोना काल में भुगत चुका है, इसीलिए इस बात के लिए मैं कि इट्स अ वाइज स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट कि दिस टाइम दे हैव डिक्लेयर्ड कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम इसी बीमारी का हम मुकाबला करेंगे। और सबसे बड़ी बात है और सुखद जो बात ये है कि आप देखेंगे कि इस टाइम जो एडमिशन टू द हॉस्पिटल्स है वो भी काफी कम है और कैजुअलिटीज बड़ी कम हो रही है, पर नंबर्स इतना कम नहीं हो रहा है, फिर भी 10% का पॉजिटिव रेट आना, 10% 10 आदमियों के बाद एक आदमी का पॉजिटिव पाया जाना,
इस बात के लिए हम है, पर आहिस्ता आहिस्ता सोच रहे हैं कि कुछ स्टेट्स के अंदर पॉजिटिविटी 5% आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता और कम होगी, और इस लड़ाई से हम काबिल कर रहे हैं। ये मानवता के लिए सबने लड़ाई लड़नी है, और ये एपिडेमिक जो है ये चला जाएगा और देश दोबारा समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, ग्रोवर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। मनीष ग्रोवर जी, इस लहर के चलते, कोरोना की लहर के चलते व्यापारिक जगत को नुकसान हुआ है, छोटे मोटे जिन लोगों ने अपने कारखाने स्थापित कर रखे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन दो ढाई सालों में। जैसे कि बत्रा साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन लोगों को जब राहत की बात आती है तो राज्य सरकार से कितना सहयोग मिल पाया है, और आगे क्या आप लोगों को उम्मीद है कि रोहतक को क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए? मैं बजट को लेकर भी बात करूंगा, इस बार के बजट में रोहतक को क्या चाहिए, इस बार के बजट में रोहतक वासियों को प्रदेश सरकार की तरफ से क्या मिलना चाहिए, किन चीजों पर फोकस होना चाहिए, खासकर कोरोना संकट में जो नुकसान हुआ उसको लेकर। ग्रोवर साहब, तीसरी में भगवान ने इतना आपदा का जो नुकसान था वो नहीं हो रहा, परंतु दूसरी में काफी नुकसान हुआ, सरकार ने, केंद्र ने भी, प्रदेश ने भी, खासतौर से छोटे मध्यम लोगों को अपनी तरफ से बहुत स्कीमें दी। इस स्कीमें से जो हमारा रोहतक खासतौर से छोटा व्यापारी है, जैसे वो किला रोड हो, सोरी मार्केट हो, तंग है वहां भी, परंतु एक कपड़े का व्यापार हमारी सोरी मार्केट का बहुत बड़ा व्यापार है यहाँ पर, और किला रोड भी हमारी, रेलवे रोड, ऐसी कई बाजार है, परंतु इस बार हमने बाजारों को इतना बंद नहीं किया, बाजार को मात्र को समय सीमा तो हमने घटाई है, परंतु हमने इस बार पूरा लॉकडाउन नहीं लगाया, उद्योग भी इस बार पूरे समय से चलते रहे, होटल भी चलते रहे, परंतु उसके नंबर संख्या कोरोना का और ना हो दूसरी जो आई थी वे उसके बाद इस कोरोना का, आज मैं समझता हूँ सेंट्रल भी और स्टेट भी दोनों चिंता कर रही है, और बिल्कुल पब्लिक, आज मैं पब्लिक भी पूरा, मुझे विश्वास है कि वो भी इस पर मास्क लगा रही है और सहयोग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को एक सवाल बत्रा साहब आपसे मेरा, कोरोना की वैक्सीन जो है वो हिंदुस्तान में अच्छे खासी तादाद में लोगों को लगा दी गई है, और रोहतक में भी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेट हुए हैं, बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को, वैक्सीनेशन कितनी प्रभावी आपको लगती है और इससे कोरोना की रोकथाम में कितना सहयोग मिल रहा है? रोहतक वासियों के लिहाज से देखें तो कितना काम बेहतर चल रहा है इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर? सर, ये थर्ड वेव जो जिसका फेस हम, जिसको हम मुकाबला कर रहे हैं, ये मुकाबला भी तभी हुआ है कि वैक्सीनेशन थी। अगर ये वैक्सीनेशन ना होती तो थर्ड वेव बड़ी डेंजरस और बड़ी भारी पैमाने के ऊपर फैलती, और वैक्सीनेशन में लोगों ने भी साथ दिया, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा, और वैक्सीनेशन में सभी जगह कोई कमी नहीं है इस बात के लिए। सेकंड डोज आ चुकी है, बूस्टर के रूप में भी लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं, लोग थर्ड डोज भी लगा रहे हैं, कुछ लोग भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हैं, पर लोगों को भ्रांतियों में नहीं जाना चाहिए। जो WHO की और हेल्थ डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन आती है वैक्सीनेशन के बारे में, उसको ही हमेशा फॉलो करना चाहिए। और अब थर्ड डोज जो एलिजिबल है मोर देन 60 उनको लग रही है, बच्चों को भी काफी अब हो गई है, तो इसलिए इस कोरोना से, चाहे वो पहली कोरोना काल था, चाहे डेल्टा वेरिएंट था, चाहे इस टाइम हमारे सामने ओमिक्रॉन है, इन सबका एक सलूशन यही है कि इधर से वैक्सीनेशन, व्हेन होल ऑफ द इंडिया विल बी कंप्लीटली वैक्सीनेटेड, दिस डिजीज विल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम थ्रू आउट ऑफ सारे हिंदुस्तान से, ये खत्म हो जाएगी। और इस बात के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोग दोबारा अपने सारे के सारे सुचारू रूप से एक जीवन की जो एकदम रुकावट पड़ गई थी, एक आपके सिस्टम में रुकावट पड़ गई थी, एक आपके जीवन की गति के अंदर रुकावट पड़ गई थी, वो गति रुकावट खत्म हो और उसी गति से सभी लोग अपने, और मैं आपके माध्यम से ये भी है कि मैं सभी जितने भी हमारे रोहतकवासी हैं सबको, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और सबको अपने एक सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से, सेफ्टी गाइडलाइन के तहत लोग पालन करें। दूसरा एक सवाल है मेरा आपसे बत्रा साहब कि इस बार जो बजट पेश होगा प्रदेश सरकार का, उसमें रोहतक को किस तरह की चीजें आप देखना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार से, मनोहर सरकार से मिलने चाहिए, कौन सी सौगात जो है ज्यादा, खासकर जो नुकसान हुआ है
कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के दौरान और लॉकडाउन के चलते या जिन जिन वजहों से इन कुछ पिछले दो ढाई सालों में, वहां क्या चीज ऐसी है जिसकी आप डिमांड करते हैं वो होनी चाहिए, वो रोहतक वासियों को मिलनी चाहिए? सेंट्रल बजट में अपेरेंटली खासतौर से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही रोहतक के लिए कोई अनाउंसमेंट हुई है, ना ही कोई हरियाणा के लिए अनाउंसमेंट हुई है इसमें बजट में क्या मिलेगा। हाँ ठीक है कि एक डिमांड मुख्यमंत्री जी की जरूर आई थी कि हमें 5,000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट के अंदर 1,00,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री सभी राज्यों के लिए रखा है। तो उसमें हरियाणा को कितना मिलता है, कितना ये प्रयास कर पाते हैं, कितना मुख्यमंत्री जी लेके आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी हैं और लेके आते हैं, वो इस पर डिपेंड करेगा। पर उसके अलावा कोई भी अपेरेंटली किसी प्रोजेक्ट के लिए, कोई किसी किसी विस्तारीकरण के लिए, किसी और चीज के लिए, किसी AIIMS 2 के लिए या किसी IIT के लिए या किसी बड़े हॉस्पिटल के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए कोई अपेरेंटली बजट के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस नहीं किया ऐसा। और बाद में जब इसका सेकंड फेज इसकी डिटेल सर्विंग आएगी, उस समय कुछ डेटा सामने आ जाए, कुछ फिगर सामने आ जाए कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट को मिला या किसी प्रोजेक्ट में जाएगा, तो वो बात की बात है। आज के दिन जो बजट अनाउंस हुआ, जो बजट उन्होंने पढ़ा और जो बजट हमारे सामने पढ़ने को आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य वर्ग निराश हुआ है। इस बात के लिए एक्सपेक्टेशन थी, इस बात के लिए कि, और साथ में ये भी डिमांड आई थी, ये जहां तक के जो सत्ताधारी सत्ता में जो पार्टियां उन्होंने डिमांड की थी निर्मला सीतारमन जी को कि भी 5,00,000 तक जो स्लैब है उसको इनकम टैक्स के लिए किया जाए, पर वो भी नहीं हुई है। और इसमें मध्यम वर्ग भी निराश है, किसान भी निराश है, एंटरप्रेन्योर भी निराश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी समय पर प्रधानमंत्री और सबने बयान दिया था कि करेंसी जो है इसका कभी चलन नहीं होने देंगी और इसकी वैलिडिटी नहीं होगी, पर उसमें किस हिसाब से उस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स और साथ में 27% GST लगा दिया गया, जब उसकी वैलिडिटी, क्रिप्टो करेंसी की वैलिडिटी इटसेल्फ ही क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। प्रदेश सरकार से मैं जानना चाह रहा था आपसे कि क्या उम्मीदें हैं रोहतक को इस संकट काल से उभरने में, क्या चाहिए? आप तो लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से संवाद आप स्थापित। प्रदेश सरकार के इस तरह है कि मुख्यमंत्री जी का जो, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं, उनका हमें पत्र रिसीव हुआ है कि 10 तारीख तक अपनी जो भी डिमांड्स हैं उसके बारे में, तो उनको हमको पत्र लिखेंगे, अवगत करवाएंगे कि रोहतक के डिमांड्स में, रोहतक को बहुत सारे पैसे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सिस्टम के अंदर ये जो कॉरपोरेशन या नगर निगम या म्यूनिसपैलिटीज हैं, इनको इतनी आमदनी इनके पास होती नहीं है अपने फर्ज पूरा करने के लिए, सब करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, हम सदन के अंदर भी ये बात मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि एक पॉलिसी के तहत इनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन करनी चाहिए। यहाँ पर आप ग्राम पंचायत को और सबको स्टाफ ग्रांट करके उनको स्ट्रेंथन कर रहे हो, सब कुछ उसमें पैसा दिया जाता है, सब कुछ देते शहर में है, शहर की आप कहते हैं खुद उसमें मुनसर करें, इसलिए शहरों की बड़ी बुरी हालत है। और ये जो कॉरपोरेशन जो है, सारे सुविधाएं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, सिविल व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोगों को इस बात के लिए बहुत बड़ी परेशानी है और इस बात के लिए पैसे जो है कॉरपोरेशन को इस बार मिलने बहुत सारी उम्मीदें आपको है कि ये बात हम पत्र भी लिखेंगे और सदन में भी मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। बिल्कुल, मेरे साथ ग्रोवर साहब भी लगातार बने हुए हैं। मनीष ग्रोवर जी, ये जो मैं संकट काल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे हालात में ही जो हमारी सरकारें होती हैं उनसे हमें उम्मीदें होती हैं। हालांकि केंद्र सरकार के बजट की जहां तक बात आती है तो बत्रा साहब को ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रदेश को मिला नहीं है, जो उम्मीदें थी उस पर खरा नहीं उतर पाए। लेकिन मैं इस बजट की बात आपसे करना चाहूँगा, जो प्रदेश सरकार का बजट खुद मुख्यमंत्री को पेश करना है, रोहतक के लिए क्या मांगे आपकी रहेंगी? और जो पिछले काफ़ी समय से जो पंचायतें हमारी हैं वहाँ पर अभी प्रतिनिधि के तौर पर सरपंच तो है नहीं, तो कोरोना संकट में लोगों ने जिस तरह से प्रशासन के सहयोग से अपने स्तर पर प्रयास की, कोशिश की, आप लोगों का सहयोग उसमें रहा, हम उससे कहीं ना कहीं उभर पाने में कामयाब तो रहे, लेकिन अब जो खाई एक पैदा हो गई है, एक जो कमजोरी फील हो रही है, उस कमजोरी को कैसे ताकत में बदला जाए, लोगों को क्या मिले, प्रदेशवासियों को क्या मिले, रोहतक वासियों को क्या मिले, और रोहतक के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको क्या इस बजट से उम्मीदें हो सकती हैं जो इस बार प्रदेश सरकार की तरफ से पेश किया जाना है? हरियाणा का बजट जो मुझे लग रहा है कि 30 तारीख को आने वाला है जी, तो 8 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें बजट
का सत्र की डेट शायद 30 तारीख की संभावना है, मुझे जो मेरे को जानकारी है आएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2014 से हरियाणा की जनता ने उनको सेवा का मौका दिया, हमारे पास 47 विधायक थे, 97.5 हमारे पास इंडिपेंडेंट 52 लोग थे, और उसके बाद हमारे विपक्ष के साथी थे जी। हम तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणा में उसी एजेंडे पर उन्होंने पूरे प्रदेश को पैसा दिया। और मुझे अभी आशा पूरी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एक शहर की राजनीति नहीं करते, करनाल की राजनीति नहीं करते, वो एक जिले की राजनीति नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते, वो 90 की 90 विधानसभा में इस बजट में देंगे। और मुझे पूरी आशा है विधायक जी रोहतक से प्रतिनिधि करते हैं, वो हरियाणा में बजट में अपनी बात रोहतक के लिए जरूर उठाएंगे, मेरी आशा, और मैं सहयोग भी करूंगा। कौन से ऐसे हैं मसले होंगे, मैं कोरोना काल की बात इसलिए कर रहा हूं सर कि इससे ज्यादा नुकसान हुआ है छोटे कामकाज करने वालों को, कॉरपोरेशन को, स्थानीय हमारे निकाय व्यवस्था को, इन लोग इनके लिए क्या डिमांड्स रहने वाली हैं, कामकाज बहुत बाधित हुआ है, वो कौन सी ऐसा आपकी बात को आपकी बात को समझ रहा हूँ। 2 साल कोरोना काल का हमारा समय बीता है जी, उसके बावजूद भी देश और प्रदेश काम आगे कर रहा है, वो छोटे हों, छोटे किसान हों, नौजवान हों, इंडस्ट्री का काम हो, सबके लिए सरकार ने एजेंडे में रखा है। आपने देखो टैक्स में छूट भी दिया था, और उसके साथ साथ जो सरकारी दुकानें थी उनका भी रेट कम किया है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स में, और कोरोना काल के दौरान में पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको भी उन्होंने कम किया था। इसलिए पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री एक बड़े दिल के हैं, उनके मन में है कि मेरा प्रदेश बाकी स्टेटों से आगे बढ़े, क्योंकि हम दिल्ली के साथ है, पंजाब के साथ है, राजस्थान के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है, आज हर नागरिक देश का हरियाणा की सड़कों से निकलता है। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूँ, नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ, आज 2 घंटे में मैं रोहतक हूँ तो मैं सरसा से घूम के वापस आ सकता हूँ, इतने NH बना दिए हैं, आज बरहोड़ से लेकर अम्बाला पार कर सकते चंडीगढ़, मैं उस दिन उस रोड पे भी गया, रोड उन्होंने बनाए, वो रोड तैयार हो चुका है, 2 घंटे में चंडीगढ़, आप इधर से चले जाएंगे सोना से बम्बे, जो नू पिछड़ा हुआ था जब से हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 के बाद, हरियाणा में एक नू हमारा जो जिला है वो पिछड़ा हुआ था, उनमें देश के प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता की और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता की, आज वो रोड भी बन रहे हैं और चारों तरफ नेशनल हाईवे के रोड हरियाणा को मिल रहे हैं, क्योंकि इधर हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, ये लेह लद्दाख, चंडीगढ़ सब हरियाणा से निकल के जाते हैं, जिस तरह साधन हमारे बढ़ेंगे उतना हमारा यहाँ का नौजवानों को काम भी मिलेगा, और इसके साथ साथ कॉरिडोर भी बन रहे हैं, जो आप पलवल से लेकर आप इधर गाजियाबाद तक से जाएंगे कॉरिडोर, KMP जो काफी लंबे से समय से रुका पड़ा था, हमने उस KMP को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, ये आपका मानना है कि इन चीजों का जिस तरह से बढ़ावा मिलेगा तो जो स्थिति हमारी नाजुक हुई है इन पिछले कुछ समय से उसमें हम बेहतर कर पाएंगे। छोटा सा कमेंट आपसे बत्रा साहब पर पूछूंगा, स्थानीय प्रशासन की भूमिका बड़ी होती है और विपक्ष का विधायक होने के नाते आपको सहयोग, कई बार ऐसी शिकायतें आते हैं, लेकिन आपके अगर रोहतक के स्थानीय प्रशासन की बात करो, कितना कोऑपरेशन, कितना कोऑपरेट आपको कर रहे हैं और कितनी उम्मीदें आपको आने वाले दिनों में उनसे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन को लोगों की जो असुविधाएं हैं उनको अच्छी तरह ग्रीवेंसेस करना चाहिए, और बहुत बड़ी कठिनाइयां, मैंने पहले भी कहा है कि कॉर्पोरेशन की फंडिंग होनी चाहिए, अगर इनसे बात करो तो ये फंड्स की बात आगे बढ़ा देते हैं उस बात के लिए, और पूरी संजीदगी के साथ संवेदनशील होना चाहिए प्रशासन को सभी प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो सड़क की प्रॉब्लम है, चाहे सीवरेज की प्रॉब्लम है, चाहे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए इस प्रशासन से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा
के संवेदनशील होकर इन सभी समस्याओं का समाधान। चलिए, बहुत अहम चर्चा में आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप दोनों खास मेहमानों का, ग्रोवर साहब आपका भी, बत्रा साहब आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। कोरोना संकट काल में जो चीजें फेस की रोहतक वासियों ने, उसको लेकर बात कर रहे थे दोनों, एक पूर्व विधायक एक वर्तमान विधायक, दोनों क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर गंभीरता की बात कर रहे थे। और ये भी बात हो रही थी कि सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है वो बेहतर है, इन पहल करने की वजह से ही कोरोना की तीसरी वेव को रोक पाने में कामयाब रहे। लेकिन बत्रा साहब का एक बात ये जरूर कहना था कि थोड़ा सा प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को संजीदगी से काम करने की जरूरत है, और बजट में इस बार रोहतक को अच्छा खासा मिलने की उन्हें उम्मीद है, और जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो परेशानियां, जरूरतें, वो लिखकर मुख्यमंत्री को अवगत जरूर कराएंगे। उसके बाद देखना होगा इस संकट काल से, कोरोना संकट काल से रोहतक वासियों को कितना इस बजट में उबार पाने में कामयाबी मिलती है और कितना सहयोग सरकार का, स्थानीय प्रशासन का, आमजन का आने वाले दिनों में मिलता है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।